आपकी दृष्टि अच्छी है तो खराब से खराब वस्तु में व्यक्ति में भी अच्छाई देख लेंगे, और अगर आपको देखने की अच्छी दृष्टि नहीं है तो अच्छी चीज में अच्छे व्यक्ति में भी आपको बुराई नजर आए। ये तो आपकी दृष्टि का दोष है ना। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को और दुर्योधन को एक सबक दिया, टास्क दिया। युधिष्ठिर से कहा कि सब जगह तुम भ्रमण करो और दुनिया में जो सबसे खराब आदमी हो ना उसकी सूची बना करके आ जाओ, लिस्ट बना के आओ कि कौन कौन खराब आदमी तुम्हें दिखाई दिया, कौन कौन खराब आदमी मिला। और दुर्योधन से कहा कि तुम एक काम करना कि जो दुनिया में अच्छा आदमी हो ना उस अच्छे आदमी का नाम लिख करके लाना, सूची बनाकर। दोनों का कागज सादा था, एक भी नाम नहीं था। दुर्योधन के कागज पर एक भी बुरे आदमी का नाम नहीं था, युधिष्ठिर के कागज पर एक भी बुरे आदमी का नाम नहीं था, और दुर्योधन के कागज पर एक भी भले आदमी का नाम नहीं था। दोनों का कागज सादा था। तो क्या दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं था? लेकिन दुर्योधन को अच्छा आदमी मिला नहीं। और क्या दुनिया में कोई बुरा आदमी उस समय नहीं था? लेकिन युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी थी ना। युधिष्ठिर की दृष्टि अच्छी थी, उसे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई पड़ा। दुर्योधन की दृष्टि खराब थी तो उसको कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं पड़ा। ये दृष्टि पर निर्भर करता है ना कि आप देखते क्या है। एक साधु कहता है राम राम, देखो कैसा मुर्दा पड़ा है, महक रहा है, नाक में कपड़ा डाल रहा है, बदबू आ रही है, नजर फेर रहा है, बगल से निकल रहा है। दूसरा साधु कहता है कि अरे इसके दांत कैसे चमक रहे जरा ये तो देखो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग अच्छा है कि खराब है, आपका क्या विचार है? बहुत लोग कहेंगे कलयुग खराब है, बहुत पाप हो रहा है, बहुत अधर्म हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, ये तो कलयुग है, ये तो कलयुग है। लेकिन इसी कलयुग में कुछ संत महात्मा हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और दूसरा आदमी खाली अखबार पढ़ता है, टीवी देखता रहता है, कहता है यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ हत्या हुई, वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ डकैती हुई, वहाँ ऐसा हुआ। अरे काहे के लिए खुराफात वाली बात पढ़ते हो? फिर दूसरों का भी दिमाग खराब करते हो? अच्छी अच्छी बातें हो रही, कहीं भागवत कथा हो रही है, अखबार उठा के देखना, बढ़िया खबर छपी है कि घटिया खबर ज्यादा छपती है? जबालपुर में भागवत कथा हो रही, बादल दास ठाकुरबाड़ी में, देखना अखबार में कितनी जगह मिलेगी। अब कहाँ डकैती हुई, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ क्या अपराध, उसके लिए ज्यादा जगह अखबार में, वही सब समाचार ज्यादा छापता है। और बढ़िया बड़ा समाचार नहीं छापता, कम छापता है। तो किस चीज का प्रचार होगा? समाज कैसा किसको दिखाई देगा बताइए? बुरी बातों का प्रचार आप खूब करो तो सबका दिमाग खराब कहेगा नहीं दुनिया बहुत बुरी है। अच्छी बातों का प्रचार होता है, अच्छा अच्छा काम नहीं हो रहा है उसका प्रचार नहीं करते हो, घटिया काम हो रहा है, अपराध हो रहा है तो उसका बड़ा प्रचार करते हो। तो कलयुग, नारद जी कहते हैं कलयुग तो सबसे अच्छा है। कलीना सदृशा कोपी युगो नास्ति, वरानने भक्ति देवी से कहते हैं हे सुंदरी कलयुग के समान तो कोई दूसरा युग है ही नहीं, लेकिन इसी कलयुग में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। कहां? तो गेहे गेहे जने जने, घर घर में करूंगा और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर करूंगा, तुमको सभी प्राणी के अर्थात सभी मनुष्यों के हृदय में बैठा करके रहूंगा, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। ये नारद जी का संकल्प। नारद जी ज्ञान भैरव को होश में लाने का प्रयत्न करते हैं, उनके शरीर पर हाथ फेरते हैं, कानों में मंत्र सुनाते हैं, वेद उपनिषद गीता ये सब सुनाते हैं, फिर भी ज्ञान भैरव होश में नहीं आ पाते, उनका बुढ़ापा नहीं जा पाता है, तब निराश हो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी सुनाई देती है और नारद जी वहां से चल पड़ते हैं। भक्ति देवी से यह करके अपने पुत्रों की देखभाल करो, मैं अभी आता हूँ।